जय जवान जय किसान। हम हैं चंद्रमान सिंह किसान, किसान कार्यशाला पर राहुल जवान के साथ। आज हम एक मूंगफली के प्लॉट पर हैं जिसमें कुछ बीमारी है, जैसे कि रस चूसक कीट लगा है और सुंडी भी लगी है। तो इसके लिए किसान को कुछ समाधान बताएंगे, तो किसान ने बुलाया है तो मैंने दिखाया है उसको कि भाई ठीक है, ये समस्या इसकी बताएंगे। और मूंगफली में ये देख लो, ये छेद, ये सब सुंडी लगी हुई है और ये जो है ये इसमें जो है रस चूसक कीट लगा हुआ है। ये जो है इसमें रस चूसक कीट और इल्ली दोनों का प्रकोप है, इसमें दोनों का प्रकोप है। और वैसे मूंगफली का पौधा तो ठीक चल रहा है, थोड़ा जमाव में दिक्कत आई है, मतलब कम जमा हुआ है इसलिए कुछ बिगड़ी लग रही है, और तो ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो मैं एक तो जो मैं इमीडा क्लोरपिड जो 17.8% आता है वो डालो, और बाकी संग में ये जो इमामेक्टिन नहीं आता है, सिमई जैसी आती हैं, वो दवा दोनों मिला के डालो। या इमीडा के साथ में एक कॉम्बिनेशन वाली दवा आता है जिसमें दो मिक्सचर आते हैं। किन पे मिली है, किन पे दिया है? वो बीज भंडार मिल जाए, नाला चले जाना। अच्छा, ठीक है। तो और इसके बाद पहले इसका कीटनाशक का इलाज करो, इसके बाद आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हो। तो हमारे साथ ये किसान है, अपना नाम बताओ। ग्राम जुआ जुआ जिला हो रही। हाँ। और भैया आप अपना परिचय दीजिए। सत्यम तिवारी। पूरा परिचय बताओ। सत्यम तिवारी, ग्राम व पोस्ट जुआ, जिला हो रही। जिला हो रही। अब दादा तुम ऐसे पकड़ लो मोबाइल, ऐसे पकड़ा। तो सत्यम, आपके जमीन में ये मूंगफली थोड़ी बेगरी जरूर हो गई है, लेकिन पौधा ठीक है और इसमें कुछ गायन आयन चल रही है, और दवा का सलूशन हमने जो बताया है वो इसका इस्तेमाल करो। और उसके साथ हमें आपकी जब जिसमें तो अभी थोड़ा नमी भी कम हो गई है, तो अब कोई फर्टिलाइजर तो दे नहीं सकते अभी, स्प्रे में भले ही आप जो है इसमें एनपीके डाल सकते हो। यूरिया वाली वो नैनो वाली यूरिया ना डालो, एनपीके जो लिक्विड में आता है, जो पैसों मतलब जो पैकेट में आता है उसे डाल दो। कितना रकबा होगा? लगभग ढाई बीघा। ढाई बीघा मतलब इसमें आप लगभग 2 किलो एनपीके, और उसके साथ में पोटेशियम ह्यूमेट और पोटेशियम फुलवेट ये चीज़ और डालो मिला के। एसिड जो होता है? हाँ, ह्यूमिक एसिड, वो मार्केट में मिल जाता है, वो तो ले ही लो अभी फिलहाल में। अब वो जाए कि इतना अच्छा नहीं आता है, फिलहाल में इसी को ले लो और इसको मिला के डालो। कीटनाशक के सब चीजें मिला के? ना, कीटनाशक के संगे ना डालो, कीटनाशक पहले डालो उसके बाद उसको स्प्रे करो। पानी दोनों का एक, पहले तो कीटनाशक डाल दो और उसके साथ में फंगीसाइड का कोई जरूरत है नहीं इसमें, फंगस है नहीं, केवल कीट लगा हुआ है। और फंगस में अगर ले सको तो एलिएट दवा एक आती है वो ले लो। एलिएट और कीटनाशक के लिए कौन सी? इसके लिए वो ये इमीडा के साथ में एक कॉम्बिनेशन आता है, इमीडा और दुकान पे जाओगे मिल जाएगा। इमामेक्टिन एक अलग से इमामेक्टिन लेना है, वो सुंडी के लिए हो जाएगी, और जो ये आपका इमीडा है ये आपके मच्छर के लिए हो जाएगा, ये रस चूसक जो लगा है ये तो दोनों का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिकॉशन में मतलब जो है मिट्टी का स्प्रे ले सकते हैं, कहीं से खेत में से मिट्टी ले लो कहीं से किनारे से। अच्छा अच्छा। और उसको मिट्टी को 200 लीटर पानी में घोलो, 200 लीटर पानी में घोल के उसमें 1-2 किलो गुड़ डाल दो और उसको 24 से 36 घंटे के लिए रख दो, और उसमें डाल दो फिटकरी 25 ग्राम, 50 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग। तो बाग की मिट्टी है? हाँ, बाग वहाँ से ले लो, पेड़ के नीचे से थोड़ा गड्ढा करके उसी में से ले लो, और 24 से 36 घंटे के लिए उसको रख दो। और गाय अगर हो तो उसका पेशाब भी डाल दो कम से कम 4-5 लीटर, इतना करके, और उसको हर हफ्ते उसका स्प्रे करो, तो ये आप ये कीटनाशक से छुटकारा पा जाओगे। ये जो बाजार की चीज़ें अभी फिलहाल का ये मतलब उपाय है,
वो जो ज्यादा लगी है इस वजह से, ज्यादा लगी इसलिए क्योंकि बीमारी आ गई है, तो बीमारी को खत्म करने के लिए क्योंकि ये एलोपैथिक में जाना पड़ेगा रसायन में, और अगर हम फिर इसका इसको हमने मार लिए अगर, तो हम दोबारा से इस पे नहीं आना पड़ेगा मुझे। और उसके साथ में अब की पानी पे इस पे आपको ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना मैथ्रेज मैंने सप्लाई, ये जो कल्चर आते हैं इनको डालो पानी पे, चलाओ पानी के साथ में। जैसे आपने 3-4 कल्चर ले लिए, जैसे बिवेरिया बेसियाना है तो वो कीटों पे आक्रमण करेगा, और ये ट्राइकोडर्मा है तो जो कोई फंगस भी नहीं आएगा इसमें, तो उसके लिए ये प्रिकॉशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का यानी कि जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया और ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम ट्राइकोडर्मा विरीडी ये तो ले ही लो, और इधर आ जाएगा आपका ये क्या नाम है बिवेरिया बेसियाना और मैथ्रेजम एनिसोफ्लाई, इन दो ये और दो ये दोनों को अलग अलग मना लो, एक मल्टीपल छोटे छोटे ड्रम में ले लो, 10-10 लीटर उनमें पानी भरो और उसमें 1 किलो गुड़ 1 किलो मैदा चारों में अलग अलग डाल के उनको 7 दिन के लिए रख दो। 7 दिन बाद उसमें से 1 लीटर सब में से निकालो, 1-1 लीटर, और 1-200 लीटर का ड्रम ले आओ, इसमें चुटकी वाला ड्रम लगाओ, जहाँ से पानी निकलता हो वहीं खोल के रख दो, उसी में 2 किलो गुड़ डाल दो, चुटकी से आराम चला दो, खेत अंदाज लगा लो कितनी देर भर जाएगा खेत, जाने दो खेत में। इसके बाद जब स्प्रे करो, जब वो मिट्टी का स्प्रे करो, तो उसी में 500 ml चारों में से निकालो और उसी 200 लीटर पानी में डालो और 1 लीटर 1 किलो गुड़ डाल दो उसमें, और इसके बाद वही स्प्रे कर दो। तो ये मार्केट की जो दवाई आती है ये नहीं डालनी पड़ेगी, तो महंगी पड़ेगी, साइड इफेक्ट बहुत, हाँ उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा है और पैसा भी जेब भी ज्यादा हल्की होती है। तो यही उपाय है और इसके लिए, और ये तो फिर किसी भी फसल में करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैविक उपाय है और जैविक उपाय जो होते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, और इसके बाद यही अभी तो कीटनाशक का स्प्रे करो, इसके बाद जब मिट्टी का स्प्रे करो जिस दिन, उसी में तो आप ये अपना एनपीके मिला लेना। कीटनाशक के कितने दिन बाद ये मिट्टी को प्रयोग करो? तीसरे चौथे दिन करो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मिट्टी का 200 लीटर के ड्रम में, चाहे यही खेत में बना लो कहीं या फिर घर पे ले आओ बना के, कुंडिया है तो वही में बना लो, बस आप करवा लो, वही में मिट्टी डाल दो, पानी भर दो और वही में 1-2 किलो गुड़ डाल दो, और वही जो मटेरियल हल्दी हो वो वाला है फिटकरी, और 25 ग्राम जो फिटकरी बताई है, 50 ग्राम हल्दी 20 ग्राम ही वो तुरंत ला के डालना, और गुड़ पहले ही डाल दें, गाय की पेशाब लाना उसमें मिक्सर कर देना, 24 से 36 पर डे आके उसको हिला देना, उसके ऊपर कुछ डाल देना कपड़ा डायरेक्ट धूप ना जाए उसके ऊपर, क्योंकि बैक्टीरिया है ना उसमें, मिट्टी में बैक्टीरिया होता है मरे ना, ऊपर की जो कॉलोनी के ऊपर जो मिट्टी होती है 1 से 1.5 फुट की, इसमें अथा बैक्टीरिया ही है इसमें, खाद और कीटनाशक डाल के मार लिए किसान की तो समस्या यही है ना, उसने अपने हाथों से इसका पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अब वही समस्या आ रही है, अभी हर फसल में कीट, कोई ऐसी फसल नहीं जिसमें कीट ना हो। ठीक है, नमस्कार।